क्या दोस्तों आप भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स से नोटिस। जी हाँ, आपको भी इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, जो कि एक नोटिस मेरे पास है और मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ ये किस वजह से नोटिस आया है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा व्यूवर्स के 10 क्वेश्चंस के आंसर्स, जो कि आपके मन में भी वो क्वेश्चंस होंगे तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है, आपके मन में भी वो क्वेश्चंस होंगे। तो व्यूवर्स का पहला क्वेश्चन है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के लिए कौन सा फॉर्म फाइल होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, वैसे तो जो ITR फॉर्म होते हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर, आपकी किस किस सोर्सेज से इनकम है। यदि मान लीजिए आपकी सिर्फ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या विनिंग फ्रॉम गेम से सिर्फ इनकम है तो आपको यहाँ पर फाइल करना है ITR 2 फॉर्म। कौन सा? आप ITR 2 फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ITR 1 में या ITR 4 में आप अदर सोर्सेज में दिखा देते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो आपको फाइल करना है कौन सा? ITR 2, सिर्फ यदि आपकी इनकम है विनिंग फ्रॉम गेम से या लॉटरीज से। अब व्यूवर्स का जो क्वेश्चन होता है वो होता है, अब जैसे मान लीजिए व्यूवर्स की 3 सोर्सेज से इनकम आ रही है, पहला विनिंग फ्रॉम गेम से, जो कि गेम से पैसे जीते हैं, दूसरा सैलरी से, और तीसरा अदर सोर्सेज इनकम से। अब व्यूवर्स का क्वेश्चन होता है या आपके मन में भी क्वेश्चन होगा, क्या हमारा जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी से ही होगा या तीनों पर होगा? तो मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यदि आपकी इनकम है विनिंग फ्रॉम गेम्स से, ठीक है, और आपकी सैलरी भी आ रही है और आपकी अदर सोर्सेज इनकम में FD पर इंटरेस्ट है या सेविंग पर इंटरेस्ट है, तो ओवरऑल जितनी भी आपकी इनकम होगी सभी पर टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। और कैलकुलेट होने के बाद जो आपका TDS कटा है, किस पर? विनिंग फ्रॉम गेम्स पर। जितना आपका TDS कटा है तो फ्लैट 30% हमारा TDS कटता है, ठीक है, विनिंग फ्रॉम गेम्स या लॉटरीज पर हमारा फ्लैट 30% TDS कटता है। तो जो आपका टैक्स बनेगा उसमें से आपका जो TDS होता है वो उसमें से लेस हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट व्यूवर्स का क्वेश्चन होता है, क्या हमारा TDS रिफंड हो सकता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसे डीपली समझना है तो इसके सेक्शन को आप रीड कर लीजिए डीपली, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जो हमारा TDS कटता है विनिंग फ्रॉम गेम्स पर या लॉटरीज पर, इस पे फ्लैट 30% हमारा TDS का प्रावधान है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी इनकम होगी उस पर 30% TDS कटता है, ठीक है। अब बात करें रिफंड की, तो जब हमारा 30% TDS कटता है और 30% ही टैक्स कैलकुलेट होता है तो उसमें रिफंड की यहाँ पर बात नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि जितना हमारा TDS कटा है उतना ही हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, तो हमारा रिफंड कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिफंड होने की संभावना बहुत कम है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पर GST टैक्स देना होता है या विनिंग फ्रॉम गेम्स पर GST टैक्स देना होता है? तो नहीं, ठीक है, इस पर GST टैक्स नहीं देना होता है, ओनली इनकम टैक्स। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पर कौन सा सेक्शन पर TDS कटता है? तो देखिए सबसे पहला आपको चेक कहाँ पर करना है, तो आप फॉर्म 26A में इसको चेक करते हैं, ठीक है, उसमें सेक्शन लिखा होता है, या तो सेक्शन 194BA होगा या 115BB होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या इल्लीगल गेम्स की ITR फाइलिंग हो सकती है? जो व्यूवर्स के द्वारा मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कुछ ऐसे हमारे गेम्स होते हैं जो कि इल्लीगल होते हैं, ठीक है, तो उसकी ITR फाइलिंग हो सकती है? तो उसकी ITR फाइलिंग नहीं हो सकती। यदि मान लीजिए आपकी कहीं से भी इल्लीगल इनकम है तो उसको आप कैसे शो करेंगे, ठीक है, उसको शो नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन था
वो था आईटीआर फाइलिंग कब तक कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आईटीआर फाइलिंग कब करें, देखिए जो आईटीआर फाइलिंग करनी है वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक करनी है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, किसी भी ईयर का। अब मान लीजिए आपका 1 अप्रैल 22 से लेकर और 31 मार्च 23 तक टीडीएस कटा है, तो जो 22 23 में टीडीएस कटा है उसका असेसमेंट ईयर होता है 23 24, ठीक है। जो हमारी आईटीआर फाइलिंग होती है वो होती है असेसमेंट ईयर बेसिस पर, ठीक है। तो इसमें जो असेसमेंट ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, 23 24। तो जब आपकी असेसमेंट ईयर 23 24 की आईटीआर फाइलिंग होगी, ठीक है, जो डेट होगी उसी डेट पर आपको फाइल करना है। अब मान लीजिए आपका टीडीएस यदि कटा है 31 मार्च से पहले, तो इसकी लास्ट डेट थी 31 जुलाई, और वैसे भी हम 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद पोर्टल हमारा बंद हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आप फिर आईटीआर यू ही फाइलिंग कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न आप फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका टीडीएस कटा है 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 23 के बाद टीडीएस कटा है, तो उसमें आपका दूसरा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो आईटीआर फाइलिंग होगी वो होगी असेसमेंट ईयर 25 में, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 24, ठीक है। तो हर फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग होती है और जो उसकी लास्ट डेट होती है उसको फाइलिंग की जाती है, ठीक है। तो व्यूवर्स का जो क्वेश्चन है वो है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पर या विनिंग फ्रॉम गेम्स पर टीडीएस नहीं कटा है तो क्या करें। तो देखिए जब आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे, ठीक है, अब मान लीजिए आपका गेम्स पर टीडीएस नहीं कटा है, ठीक है, कंपनी टीडीएस काटना भूल गई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। जब आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो उसमें टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, और उस टैक्स को आप जमा करा देंगे, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका टीडीएस कट गया होता तो आपका जो टैक्स है उसमें से लेस हो जाता आपका टीडीएस, और जो बचता आपको वो जमा कराना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका टीडीएस नहीं काटा है तो आपको कंपनी ने पूरी पेमेंट कर दी होगी, तो फिर आपको अपनी जेब से ही जो टैक्स है उसको पे करना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बैक ईयर की आईटीआर फाइलिंग हो सकती है क्या। तो जी हाँ, बैक ईयर की भी आईटीआर फाइलिंग हो सकती है, आप 3 ईयर्स की बैक आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, वो भी अपडेटेड रिटर्न में, जो कि आईटीआर यू फाइलिंग होती है, ठीक है। उसमें आपका यदि कहीं से भी टीडीएस कटा है, ठीक है, या टीडीएस उसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, और आपका उसमें ईयर वाइज होता है, उसमें 25% भी है जो कि एक्स्ट्रा आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि जो टैक्स आपका बन रहा है उसके अलावा भी उसका 25% या 50% उसमें सेक्शन के अंतर्गत आपका एडिशनल टैक्स उसमें कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब कुल मिलाकर आप बैक ईयर की आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, किसमें, आईटीआर यू फाइलिंग में। अब जो नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा क्वेश्चन है, आईटीआर फाइलिंग नहीं की तो क्या होगा। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा, यदि हमने आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं और हम जीतते हैं किससे, गेम से, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहली बात तो आपके पास नोटिस आएगा, ठीक है। नोटिस आने के बाद उसका आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहला नोटिस आएगा, यदि आपने आईटीआर फाइलिंग नहीं की है तो आप आईटीआर फाइलिंग करें, ठीक है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है, ठीक है। बैक ईयर की आईटीआर फाइलिंग कौन सी होगी, आईटीआर यू फाइलिंग, ठीक है। फिर यदि आप आईटीआर यू फाइलिंग या बैक ईयर की आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं, फिर उसके बाद आपको दूसरा नोटिस इशू कर दिया जाएगा, और सबसे लास्ट में यदि आप उसका कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, तो सबसे लास्ट की बात कर रहा हूँ, आपका जो बैंक अकाउंट है, चाहे आपके एक बैंक अकाउंट है चाहे दो हैं, जितने भी आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड किए हुए हैं वो सभी सीज हो जाएंगे, तो आपको आईटीआर फाइलिंग करनी ही है, ठीक है।
अब देखिए आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी एक नोटिस आया है। अब ये किस चीज़ का नोटिस है हम देख लेते हैं। अब ये नोटिस है, नोटिस अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो इसमें है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज द पोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम MS गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड दैट द टोटल विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स इन रिलेशन टू योर पैन ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज एज। अब देखिए इसमें ऑनलाइन गेम से विनिंग किए हैं कितने, 21,59,865 रुपये। ठीक है, तो हमारी एग्जाम्प्ट इनकम कितनी होती है, 2,50,000 रुपये। ठीक है, 2,50,000 से ऊपर, 2,50,000 से अबव पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। टोटल विनिंग 21,59,865 रुपये। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने 21,59,865 रुपये विनिंग किए हैं और बैंक UPI डिटेल्स आर मेंशन इन एनेक्स 1। ठीक है, तो इसमें UPI डिटेल्स और बैंक डिटेल्स दी हुई है। अब नीचे आ जाते हैं, द विनिंग फ्रॉम गेम्स इज टैक्सेबल। ठीक है, विनिंग फ्रॉम गेम्स टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 115BB, रीड विद सेक्शन 2 सब सेक्शन 2-4। ठीक है, इसमें दिए हुए हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। अब नीचे दिया गया है, यू हैव नॉट फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न असिस्मेंट ईयर 22-23। अब जिसने 21,59,865 रुपये यहाँ पर विनिंग किए हैं, ठीक है, असिस्मेंट ईयर 22-23। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। ठीक है, तो उसके लिए ही ये नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, तो इसमें यदि आप अपनी ITR फाइलिंग नहीं करते हैं और आपने अच्छी खासी इनकम की हुई है गेम से, तो आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी ही है। ठीक है, तो आपको अपनी ITR फाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके पास इस प्रकार नोटिस आ सकता। तो ये जो नोटिस था ये था इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ना करने का। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी नोटिस आपके पास आ सकते हैं यदि आप अपनी ITR फाइलिंग में कोई मिस्टेक करते हैं। तो ये जो नोटिस था ये था ITR फाइलिंग का, यदि आप विनिंग करते हैं गेम से, लॉटरी से, ठीक है, तो आपको अपनी ITR फाइलिंग करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके पास आ सकता है नोटिस, वो भी इनकम टैक्स से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।